गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम तुलक सागर एक नाम। मंदिरों में मोक्ष की चर्चा कम स्वर्ग नरक की चर्चा ज्यादा होती है। उस वो नरक किसी ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया गया नरक में। ध्यान रखना जैनियों में नरक जाना बहुत आसान है, थोड़ी सी भी गलती हो गई बोले नरक। अरे एक बच्चा भगवान का अभिषेक कर रहा है, अभिषेक करते करते उसके हाथ से कलश गिर गया, क्रोध आ गया, इतना भी तमीज नहीं है, तुमको धर्म नहीं आता, तुमको कुछ नहीं आता, कलश गिरा दिया। अरे गिर गया, धोखे से हो गया, सामने वाला इतना आग बबूला हो जाता है कि पूरा पाप जैसा। भोजन छोड़ दो, हम बात कर रहे हैं उससे, बीच के एक दादाजी खड़े थे, बोले 30 साल से नहीं खाते। अरे मैंने कहा तेरे से पूछ कौन रहा है? जिससे पूछ रहा वो तो उत्तर दे नहीं रहा है, हम 30 साल ने। मैंने कहा दादाजी नहीं खाते तो कोई बात नहीं है, इतना इतना एडवर्टाइजमेंट करने की क्या जरूरत है, नहीं खाते तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा हित है, तुम्हारा उद्धार है। लेकिन आदमी पुण्य को दिखा के करता है और पाप को छिपा के करता है। होना क्या चाहिए? पाप को दिखा के करो, पुण्य को इस हाथ से पुण्य करो तो उस हाथ में पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन आदमी थोड़ा सा अच्छा काम कर ले ऐसा डिंडोरा पीटता है, ऐसा डिंडोरा है। एक आदमी क्या है कि मंदिर जाता था, एक आदमी मंदिर जाता ही नहीं था, बताओ 25 साल का हो गया भगवान के दर्शन करने नहीं जाता। एक दिन उसने महाराज से नियम ले लिया, महाराज ने भी नियम दे दिया भाई मंदिर जाने का नियम ले ले, उसने ले लिया नियम। महाराज बोले 1 साल का, वो बोले 1 महीने का। ऐसे चलता आधा आहार तो इसी में निपट जाता है, महीने और 15 दिन और 1 दिन खींच तान के बड़ी कंजूसी से 6 महीने होते हैं, है ना, उसमें अभी बाहर की छूट और भीतर की छूट। कमाल है आदमी की जिंदगी ऐसी है, कितना बारीकी से चलता है, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। अरे जिसको करना है वो 6 महीने जैसे करेगा, वो साल भर कर ले, उसमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन नहीं, 15 दिन से शुरू हो, 6 महीने तक ले दे के कोई मामला सलट जाए तो सलटा दो, आहार दो और बाहर चल। उसने नियम ले लिया कि महीने 1 महीने तक मंदिर जाऊंगा। अब सोचना वो मंदिर गया, 1-2 दिन हुए भी मंदिर गए, क्या बोलता है अपने दोस्तों को, अपने घर में परिवार में मित्र मंडली में कि जी मंदिर नहीं जाते ना ये नरक जाएंगे। क्या बोल रहा है? कितने दिन हुए भी मंदिर जाते हुए? 3 दिन। और किसको नरक भेज रहा है? इतने दिन से तू नहीं आ रहा, 24 साल से, तब तुझे नरक नहीं दिखा, आज मंदिर क्या आ गया, ये सारे के सारे लोग नरक। वाह रे आदमी की जिंदगी, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, थोड़ा बहुत कर लिया तो बोले ये सब नरक जाएंगे, आज आलू छोड़ दिए तो ये आलू खाने वाले नरक जाएंगे। अरे इससे अच्छा तो तू खाते ही रहता, उसको नरक तो नहीं बेचता। कहते दूसरों का अच्छा सोचो कभी जीवन में बुरा, लेकिन धर्मात्मा आदमी दूसरों का बुरा ही सोचता है। वो सोचता है मैं रोज अभिषेक करता हूं, जो नहीं कर रहा है उनका तो बेड़ा गर्क हो गया, वो नरक है, उनका कल्याण होने वाला नहीं है। जब तक तू नहीं कर रहा था तब तक तेरे दिमाग में नहीं आ रहा था। सोचिए धर्म भावनाएं धार्मिक भावनाएं क्या होती हैं, कि मेरा भी कल्याण हो और तुम्हारा भी कल्याण हो, सारे जगत का कल्याण हो। लेकिन आदमी ऐसा बोलता है, चाहता नहीं है। चाहता तो यही है कि कल्याण किसका होना चाहिए, मेरा ही होना चाहिए, पड़ोसी के घर का सत्यानाश हो जाए। ध्यान रखना, ध्यान रखना, अपन जितना मीठा मीठा बोलते ना किसी की खुशियों में, अरे मुबारक हो, बहुत अच्छा, बड़ी खुशी हुई तुम्हारे लड़के की नौकरी लग गई, भीतर तो क्या चल रहा है कि सत्यानाश हो,
मैं इतने बड़े पद पे पहुंच गया। ध्यान रखना, जब अपना बच्चा फेल होता है ना तो अपन क्या बोलते हैं, क्या करें, आउट ऑफ कोर्स था, है ना। और जब पड़ोसी का फेल होता ना, फेल होने ही था, गढ़ाए नंबर वन का, पढ़ता लिखता तो था नहीं, अपना बच्चा हुआ तो आउट ऑफ कोर्स, और पड़ोसी का हुआ तो गधा था, होने ही था, वो पास भी हो गया, हमें मालूम है वो कैसे पास हुआ, नकल नकल करके पास हो गया। ये भीतर की जो जलन है ना, जो ईर्ष्या, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या, ये केवल भगवान को सुनाते हैं अपन मंदिर में जाके। ईर्ष्या भाव तो अंदर ही अंदर, पड़ोसी तो छोड़ो, घर के घर में ईर्ष्या भाव चलता है, घर के घर में चलता है, एक दूसरे के प्रति जेलसी, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव, एक का धंधा ज्यादा चल जाए, एक का नहीं चले तो आग लग जाती है। देवरानी की साड़ी अच्छी हो और जिठानी की अच्छी ना हो तो ईर्ष्या भाव पैदा हो जाता है, होता है या नहीं होता है, बोलो ईमानदारी से, हो जाता है। तो फिर मंदिर में क्या बोलते हैं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव, बाहर तुम्हारा ईर्ष्या भाव। सोचना है कि हम कहते क्या हैं और होता क्या है, विचार करना है। मेरी भावना पढ़ ली, हकीकत में बताओ वो तुम्हारी भावना है। क्या लिखा उसमें, टाइटल लिखा किसना है, जुगल किशोर मुक्त, है ना, जुगल किशोर जी ने लिखा है। ये भावना किसकी है, बोल किसकी रहे हो, तेरी है ही नहीं, तेरी तो बिल्कुल इसकी विपरीत भावना है, जो लिखा उससे बिल्कुल उल्टा है हमारा, तो कहां से वो हमारी भावना होगी। दूसरे यानी भावना में भी ईमानदारी नहीं है, वही भी दूसरों की चुराई हुई बोल दी ये मेरी। ध्यान रखना, धर्म को समझो, अपने जीवन को बदलना है, कल्याण करना है, दूसरों में ही हमारा समय जाता है, दूसरों में ही हमारा वक्त जाता है, वो ऐसा कर रहा, वो वैसा कर रहा, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसको छोड़ो, समय कम है, अपने बारे में सोच। एक राजा था, उसकी आदत थी कि वह रोज रात को भेष बदल के जाता था प्रजा के दुख सुख देखने, रोज जाता था कि देखो तो अपनी प्रजा सही है नहीं है, राज्य कैसा चल रहा है, गड़बड़ तो नहीं है, बेईमानी तो नहीं है, पाप भ्रष्टाचार तो नहीं पनप रहा है। तो राजा ने कहा कि चलो अपन भेष बदल के देखने चलते हैं। जैसे ही गया, रास्ते में क्या देखा, एक आदमी सड़क पे पड़ा है, सड़क के किनारे। राजा ने थोड़ा हिलाया, बाबूजी उठो, क्यों डले यहां। पता चला वो तो, हाँ सचिन तुम पहले भेजना, गया वो तो दुनिया से चला गया, मर गया वो। राजा ने कहा अरे भाई, कितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई भी उसको छूता। राजा ने कहा ये कैसा राज्य है मेरा कि एक आदमी सड़क किनारे तड़प तड़प के मर गया, कोई भी उसकी लाश की तरफ नहीं देख रहा, इंसानियत नाम की चीज नहीं है यहां। राजा ने लोगों से पूछा भाई ये मर गया है, इसे उठाते क्यों नहीं हो। अब लोग तो पहचान नहीं पाए कि ये राजा है, बोले अरे मर गया तो मर गया, बड़ा घटिया आदमी था। बोले घटिया आदमी, बोले हाँ, बोले दारू ये पिए, वेश्या गमन ये करे, सारे पाप ये करे, इसका ना कोई चरित्र था ना इसका कोई व्यवहार था, ये तो सबसे घटिया इंसान है, इसको हम हाथ नहीं लगाएंगे। कहते हैं कि राजा ने दो चार घंटे देखा, कोई भी उसकी तरफ देखने वाला नहीं मिला। राजा ने कहा कोई बात नहीं, एक आदमी से कहा भाई इसको उठा के इसके घर तक पहुंचा दो। बोला अरे पापी आदमी, दुष्ट आदमी, इसको कहां पहुंचाएंगे, हम इसको छूने वाले नहीं है, ये तो सबसे बर्बाद आदमी है इस शहर का। राजा ने कहा भाई आदमी जो बर्बाद था वो तो चला गया, अभी तो बॉडी बची है, था तो इंसान, इंसानियत के नाते इसको उठा के इसके घर में पहुंचा दो। किसी ने नहीं सुना, राजा ने उठाया और उसके घर पहुंच गया।
जैसे ही घर पहुंचा पत्नी ने देखा, अरे ये कौन आदमी मेरे पति को ऐसे उठा करके ला रहा है। उसने कहा कि बहन ये तेरा पति है? बोले हां। बोले गया। जैसे ही देखा तो दहाड़ मार करके रोने लगी, बहुत रोई बहुत रोई। राजा ने कहा यार पूरा गांव इसकी तरफ देख नहीं रहा है और पत्नी इसके लिए आंसू बहा रही है। पूछा कि भाई इतना दुख क्यों हो रहा? बोले मेरे पति हैं और इसके जैसा इंसान दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। राजा को अब तो डाउट हो गया कि पब्लिक कह रही इसके जैसा घटिया आदमी कोई नहीं है और पत्नी कह रही कि इससे अच्छा कोई नहीं। राजा ने सोचा यार पत्नी की नजरों में चलो पति अच्छा ही होगा, पुराने जमाने का, आजकल तो होता ही नहीं अच्छा। आजकल की पत्नी की नजरों में कौन सा पति अच्छा है? 24 घंटे शिकायत ही भरी रहती है। बेचारा थोड़ा सा कितना भी मेहनत करे, कितना भी पैसा कमा लाए, लास्ट में तो पत्नी यही कहती तुम तो बुद्धू हो, तुमको तो कुछ आता माता तो है नहीं है, है ना। तो वो पुराने जमाने की पत्नी रही, आजकल की तो बेचारी जान भी दे दो, पति गला भी काट दे तो कहेगा उसकी तो आ ही गई थी, हमारे लिए थोड़ी काटा है, उसका तो समय ही आ गया था, चला गया, हम क्या करें। तो इतना पत्नी इतनी रोई बोली इसके जैसा अच्छा इंसान दुनिया में प्राप्त नहीं, ये तो भगवान थे। राजा ने कहा यार लोग कह रहे शराबी है, सप्तव्यसनी है और ये कह रही है कि भगवान थे। राजा ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक आदमी का दो तरह का चरित्र कैसे हो सकता है? बोले जो दूर से देखते थे ना वो इसे बुरा कहते थे और जो पास से जानते थे वो जानते थे कि इसके जैसा इंसान दुनिया में कोई और। बोले अरे ये तो शराब पीता था। बोले नहीं शराब नहीं पीता था, ये रोज शराब की दुकान में जाता था, शराब की बोतलें खरीदता था, लोग इसको देखते थे कि ये शराब पीता है, ये नशा करता है, ये शराब की बोतलें ला करके रोज गटर में डाल दिया करता था और सोचता था कि आज इतने लोगों को मैंने शराब पीने से बचा लिया है। वह शराब नहीं पिया करता था, वह शराब की बोतलें नाली में बहा दिया करता था। बोले कम से कम इतने लोगों के लिए तो ये शराब प्राप्त। राजा ने कहा यार इतना अच्छा काम करता लेकिन दुनिया वाले क्या कहते, ये शराबी है। अरे बोले तो बेस्याओं कहां जाता था? बोले हां जाता था। बेस्या कहां जाता था? रात रुकता था, पैसे देता था और बेस्या से कहता था कि आज रात किसी को आने मत देना, ना ये गलत काम करता था ना उसको करने देता था। और जब लौट कर घर आता था तो कहता था कि आज ये मैंने एक बेश्या के जीवन को संतुष्टि प्रदान की है कि आज उसे अच्छा जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आज उन्होंने गलत काम नहीं किए। ये ऐसा धर्म था। मैंने कहा ना कि कुछ लोग पुण्य दिखा के करते हैं और कुछ लोग पुण्य छिपा के किया करते हैं। तो बोले पत्नी ने पूछा एक दिन उस पति से कि देखो तुम ऐसा करते हो, बेस्या के घर में जाते हो, शराब की बोतलें लाते हो, कोई तुम्हारी लाश को कंधा देने वाला भी नहीं मिलेगा। तो बोले आज मुझे बहुत रोना आ रहा है। राजा ने कहा कि क्या बात है? बोले ये कहता था कि सारी दुनिया मुझे कंधा देने आए या ना आए, यदि मैं सच्चा धर्म कर रहा हूं तो यहां का बादशाह मुझे कंधा देने जरूर आएगा, यहां का राजा मुझे कंधा देने जरूर आएगा। मैं अच्छे काम करते, दुनिया के लोग आए या ना आए, ये दिखावे वाली दुनिया मेरे काम ना आए या ना आए। तो राजा ने सुना कि बादशाह आएगा कंधा देने, राजा आएगा। पत्नी ने कहा उन्होंने कहा तो था लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सच्चाई का अब दुनिया में कोई रोल नहीं बचा है, उनके प्राण निकल गए और तुम इसे उठा करके लाए हो। राजा ने कहा नहीं, सच्चाई आज भी इस दुनिया में मौजूद है, जिसे तू साधारण इंसान समझ रही है
मैं भेष बदल के तेरे पति की लाश लाया हूं और मैं यहां का बादशाह हूं, मैं यहां का सम्राट हूं। देख आज अंत समय लोगों की लाश उठाने के लिए सामान्य लोग आते होंगे, लेकिन तेरे पति के लाश को उठाने के लिए एक सम्राट आया है और अब बड़े धूमधाम से इसका जनाजा निकलेगा, इसकी अर्थी निकलेगी और राज की सम्मान के साथ अपने राज्य के ऐसे नागरिक का मैं अंतिम संस्कार करूंगा। विचार करिए, सोचिए, गलत काम शुरू में बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन उनका रिजल्ट बहुत खराब होता है, और अच्छे काम शुरू में कठिन होते हैं, बुरे लगते हैं लेकिन उनका रिजल्ट कैसा होता है? बहुत अच्छा होता है। आपको लगता होगा जो बेईमानी कर रहा है, जो छल कपट कर रहा है, जो गलत काम कर रहा है, उसकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, बहुत पैसा कमा रहा, बड़े बड़े फ्लैट ले रहा है, और एक आदमी ईमानदारी और सच्चाई से, सादगी से जीता है, वह साधारण आदमियों की जिंदगी जिया करता है। कभी कभी अपने मन में आ जाता है यार कि चलो थोड़ा बहुत गलत अपन भी करते हैं, पैसा कभी अच्छे रास्तों से नहीं आता है, पैसा कभी सही रास्तों से नहीं आता है। हर गलत करने वाले आदमी के मन में यही भ्रम होता है। एक बात बताओ, कभी पिक्चर देखिए सचिन, रोज तो कभी कभी रोज तो बनाते हैं वो सही है, देखते कभी कभी, शूटिंग तो रोज चलती है ना। तो विचार करिए, पिक्चर देखने जाओ, पहले के जमाने में, हमारा जब जमाना था, अब आज का तो मुझे नहीं मालूम, 3 घंटे की पिक्चर होती थी है ना, आज कितने की होती? 3 ही। पुरानी वाली देखते हो क्या? नई वाली नहीं देखते हो? अच्छा, पुरानी अपने जमाने 3 घंटे की पिक्चर होती थी हमारे समय, और पिक्चर में 2 चीज होती हैं, हर फिल्म की स्टोरी एक सी होती है, वही दो प्रेमी प्रेमिका बिछड़ गए, मिल गए, लास्ट में मिल गए, जब अच्छे दिन आए दी एंड लिखा गया, जब तक बुरे दिन थे पिक्चर चल रही थी। विचार करिए, आप देखिए, एक विलन होता है और एक हीरो होता है पिक्चर में, 2.5 घंटे किसकी चलती है बोलो? खलनायक की चलती है ना, इतने साधन होते हैं उसके पास, रिमोट से दबा और सारे काम हो जाया करते हैं। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम, गाँव में गाँव में शुभ शाम, पुलक सागर।